नमस्ते, मैं विकासदीप पांडे परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। पॉलिटी आसान है, ये सीरीज चल रही है। मौलिक अधिकार पे हम लोग बहुत पहले पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा मौलिक अधिकार थोड़ा ज्यादा चलेगा, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत जरूरी भी है। अमेरिका से लिया गया है, एक अधिकार देता है, और ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार है। मतलब नहीं समझ पाए, मतलब इस मौलिक अधिकार में सिटीजन यानी कि नागरिक मजबूत होता है, व्यक्ति मजबूत होता है। ये भी कह सकते हो कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध में व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिकार है। क्लियर है सारी की सारी चीजें, लिख भी दे रहा हूं। राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। और यही स्टेटमेंट एग्जाम में आया भी है, फिर से समझ लो। राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिकार, मतलब इसमें स्टेट पावरफुल नहीं हो रहा है, व्यक्ति पावरफुल हो रहा है। राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिकार, इस लाइन को समझ लो। समझा तो दिया हूं, नहीं समझ पाए तो दूसरा ऑप्शन है, रटना पड़ेगा। और ये बार बार वायर आगे ही आ जा रहा है, राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया जाने वाला अधिकार। क्लियर है सारी की सारी चीजें। चलो अब इसकी आगे की बात करते हैं और उसके आर्टिकल वगैरह को हम लोग देखते हैं। वाला अधिकार पूरा लिख दो ना, आधा छोड़ना ही क्यों। क्लियर है सारी की सारी चीजें। चलो देखते हैं आर्टिकल वगैरह क्या है। हाँ, सबसे पहले आर्टिकल 12। देखो आर्टिकल 12 में ना राज्य की परिभाषा दी गई है। आप कहोगे सर राज्य की परिभाषा तो हमको पता है, राज्य का मतलब स्टेट, और पहले हम लोग स्टेट को बोलते थे प्रोविंसेस यानी कि प्रांत। जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज थे, तब राज्यों को प्रांत बोला जाता था, वो भी प्रोविंसेस। जब देश आजाद नहीं हुआ था यानी जब अंग्रेज थे, ध्यान से सुनना, तो प्रांत भी यानी कि प्रोविंसेस भी दो प्रकार के थे। कितने थे? दो प्रकार के। आप खुजलाओगे अपना सर कि सर जब देश आजाद नहीं हुआ था तो प्रांत दो प्रकार के थे। भैया मेरी बात ध्यान से समझना, अभी भी तो प्रांत दो प्रकार के हैं। कैसे? एक जो प्रांत भैया जो मतलब डायरेक्टली अपना सारा का सारा डिसीजन ले सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदेश, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, जैसे हो गया मध्य प्रदेश, जैसे हो गया उत्तराखंड, और दूसरा ऐसे प्रदेश जिनको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिनको हम लोग बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी, वो भी तो एक प्रदेश है ना, जिस पे मेन अधिकार या फिर डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र वाली सरकार के पास होता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। क्लियर है सारी की सारी चीजें। ये तो आप आज का सिनेरियो जान रहे हो। पहले क्या था? जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था तब प्रदेश को बोला जाता था प्रांत, तब दो प्रकार के प्रांत होते थे। ऐसे प्रांत, ध्यान से समझना, ऐसे प्रांत या ऐसे प्रोविंसेस जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्टली शासन हो, यानी अंग्रेज जहां पे डायरेक्टली लोगों से टैक्स वसूलते थे, उसको बोलते थे प्रोविंसेस। क्या बोलते थे? नॉर्मल। उसको क्या बोलते थे? प्रोविंसेस या ब्रिटिश प्रोविंसेस, या उसको हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत। क्या बोल सकते हैं? ब्रिटिश प्रांत। ध्यान से समझना, ऐसे प्रांत, ये ठीक से चल नहीं रहा, नेक्स्ट ले लो, ऐसे प्रांत जहां पे अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्टली टैक्स वगैरह वसूला जाता था, उसको हम लोग बोलते थे क्या? ब्रिटिश प्रांत। क्लियर है सारी की सारी चीजें। और दूसरा जानो, ऐसे प्रांत जहां पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पे डायरेक्टली लोगों के द्वारा हो रहा है, मतलब जहां पे अंग्रेज डायरेक्टली लोगों से टैक्स वसूल ले, उसको तो बोल दिया गया ब्रिटिश प्रांत, लेकिन जहां पे बीच में एक राजा है उसको हम लोग बोलते थे प्रिंसली स्टेट या रियासत। मतलब ऐसा प्रदेश जहां पे पहले राजा लोगों से टैक्स वसूलता था, और टैक्स वसूल के किसको देता था? ब्रिटिश को देता था। बहुत आसान है, तुम समझ गए होगे। ऐसा प्रांत जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिश लोगों से टैक्स वसूल रहा है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्टली टैक्स वसूला जा रहा है जिस एरिया में, उसको बोला जाता था प्रांत। ऐसी जगह जहां पे अंग्रेज राजा को आदेश दे रहा है कि एक काम करो, जनता को मार करके खुद टैक्स वसूलो, और फिर राजा जनता से मार करके खुद टैक्स वसूलती थी, उसको बोलते थे भारतीय रियासत, या कह सकते थे प्रिंसली स्टेट। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो दो प्रकार के राज, जहां पे राजा है वो प्रिंसली स्टेट कहला रहा है, और जहां पे राजा वगैरह है नहीं और डायरेक्टली टैक्स वसूला जा रहा है किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा, उनको बोला जाता था ब्रिटिश, उनको क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रांत। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें समझा क्यों रहा हूं, मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें आर्टिकल 12 को समझाने के लिए समझा रहा हूं। आर्टिकल 12 में एक्चुअली राज्य की परिभाषा है, और इस राज्य का मतलब अभी के स्टेट से नहीं है। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य का मतलब भारत सरकार से भी हो सकता है,
उत्तर प्रदेश सरकार से भी हो सकता है, यानी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार से भी हो सकता है, किसी भी स्थानीय सरकार से भी हो सकता है, सरकार के द्वारा समर्थित सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे हो गया आपका LIC, जैसे हो गया आपका ONGC, क्लियर है सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें जो सरकार के द्वारा समर्थित हैं, वो सभी चीजें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। समझ गए? मतलब मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट से क्या है वो समझो। भारत सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी हो सकता है, स्थानीय सरकार भी हो सकता है, वो सभी सरकारी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा समर्थित हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार के, चाहे वो स्थानीय सरकार के, वो सभी की सभी संस्थाएं राज्य हैं। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अब क्या लिखा है इसके भी, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है, पता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया। भाग 2 नहीं, भाग 3 है, क्लियर है ना, भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में सरकार, भारत की संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, मैंने आपको बताया नहीं, वो सभी चीजें जो सरकार के द्वारा समर्थित हैं, सभी की सभी चीजें, कुछ भी अगर अपने दिमाग में सोचो, अगर चीजें सरकारी हैं तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी निजी संगठन या सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है। इसको तुम ऐसे समझो, जैसे मान लो तुमको पासपोर्ट बनवाना है, तुमको क्या बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है। अब तुम पासपोर्ट बनवाने के लिए भैया विदेश मंत्रालय में एप्लीकेशन दिए, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने का सारा जिम्मा दे दिया है, जैसे मान लो टाटा कंसल्टेंसी को, समझ लेना मेरी बात, विदेश मंत्रालय ने सारा का सारा भारत में पासपोर्ट बनाने का जिम्मा किसको दे दिया, टाटा कंसल्टेंसी को। तो टाटा कंसल्टेंसी एक निजी संस्था हो गई ना, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी को ये काम, पासपोर्ट बनाने का काम किसने दिया है, विदेश मंत्रालय ने। तो इसलिए टाटा कंसल्टेंसी अब इस कंडीशन में भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगी। समझने की कोशिश करना, अगर कोई निजी संस्थान सरकारी काम कर रहा है तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तुम समझ गए होगे बहुत अच्छे से, यानी आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा का मतलब ये हुआ, बहुत आसान भाषा में जानो, कि वो सभी प्रकार की चीजें जो सरकार के द्वारा समर्थित हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो केंद्र सरकार, चाहे वो राज्य सरकार, चाहे वो स्थानीय सरकार, चाहे वो LIC, चाहे वो ONGC, चाहे वो कोई महारत्न कंपनी हो जो भी सरकारी हो, चाहे वो कोई बैंक हो जो सरकारी है, और या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सरकारी काम करने में लगे हैं या ठेका लिए हैं, वो सभी के सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आगे हम लोग चलते हैं, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया, ध्यान से देख लेना, आगे चलो। हाँ, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 को बस एक वर्ड में ये जानो, ज्यूडिशियल रिव्यू, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रकार का अगर हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को रोक देगा। अगर जो भी आपके मौलिक अधिकार की कोई भी चीजें, अगर आपकी चीजें हनन कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को या उस आदेश को क्या क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। एक बार चीजों को पढ़ लीजिए, इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक हैं, वही जो मैंने बताया है, उन्हें शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये जानो, न्यायिक समीक्षा की बात, जुडिशियल रिव्यू की बात कहां पे है, आर्टिकल 13 में है, मैं लिख दे रहा हूं, न्यायिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही जानो, तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लियर है ना, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की बात आर्टिकल 13 में है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें पता है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल 14 वाला क्या है, पहले हम लोग, हाँ आर्टिकल 14 वाला क्या है, पहले इसको ये देख लो, राज्य के किसी भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय के साथ साथ विदेशी, अच्छा एक चीज और, एक मिनट रुकना, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिला है और कुछ अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को मिला है। तो आपके दिमाग में ये आएगा, ध्यान से सुनना, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिला है और कुछ अधिकार विदेशी और भारतीयों दोनों को मिला है।
तो आखिर कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, उसका मैं अलग से कल आपको एक पूरी की पूरी एक सेपरेट लिस्ट बता दूंगा, क्योंकि विदेशियों को सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट नहीं प्राप्त हैं, विदेशियों को कुछ फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो विदेशियों को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में भी आप जानिए। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 14 वाला भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, इसलिए साफ साफ लिख गया है। कल मैं आपको सेपरेट लिस्ट पूरी की पूरी बता दूंगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो विदेशियों को प्राप्त है, क्योंकि इंडियन को तो सभी प्राप्त है, सिंपल सी बात। तो विदेशियों को कौन कौन से प्राप्त है और कौन कौन से प्राप्त नहीं है, आप कल ये सारी की सारी चीजें जान जाओगे। अभी ये देखो, आर्टिकल 14 कहता है राज्य को किसी भी व्यक्ति, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि कानून की नजर में सारे के सारे क्या हैं, समान है। ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 14। कानून की नजर में सारे के सारे समान, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या है? राज्य किसी नागरिक के साथ, बस यहां से ही समझ लो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यही आपको जानना है। आर्टिकल 15 क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या है? राज्य के अधीन। अब ये राज्य, अब राज्य का मतलब मैंने फिर तुम्हें बता दिया। आर्टिकल 12 में राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य या मध्य प्रदेश राज्य या उत्तराखंड राज्य मत समझना। राज्य के अधीन सारी की सारी चीजें सरकारी संस्थाएं। क्लियर है ना? तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, इसका मतलब ये हो गया कि वो सभी लोग एलिजिबल हैं, किसी को किसी भी तरीके से मतलब ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा। जो भी अगर मान लो कंपटीशन वगैरह निकल रहा है तो सारे के सारे लोग इक्वल हैं। तो आप कहोगे कि सर तब रिजर्वेशन क्यों मिलता है? रिजर्वेशन की अलग चीजें हैं और रिजर्वेशन की बात भी आर्टिकल 16 में ही लिखी गई है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो, रिजर्वेशन का भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आर्टिकल 16 ये कहता है कि राज्य के अगर अधीन कोई भी अगर पद निकल रहा है तो किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता के, अवसर की समानता जो होती कि कोई भी वो अवसर पा करके उस कंपटीशन में भाग ले, नौकरी मिल जाए, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता पे किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। रिजर्वेशन क्या है ये भी तुम्हें समझाऊंगा पहले, लेकिन आर्टिकल को सारी की सारी चीजों को देखो। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, बस इतना ही जानो। अनटचबिलिटी, पहले छुआछूत था, तुम हमें मतलब जो मतलब ऊपर जो हाई क्लास था वो निचले क्लास से बहुत चिढ़ता था, वो चाहता था उनको छुए भी ना। तो आर्टिकल 17 सभी प्रकार के अनटचबिलिटी को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। और आर्टिकल 18 ये कह रहा है किसी भी प्रकार की आप लोग कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे जब अंग्रेज थे तो लोगों को नई नई उपाधि देते थे, जैसे नाइटहुड की उपाधि दे दिए, सर की उपाधि दे दिए, नई नई उपाधि देते थे, तो वो लोग अपने नाम के आगे उस उपाधि को लगाते थे और अपने आप को बहुत बड़का बताते थे। तो हुआ क्या, हमारे संविधान में आर्टिकल 18 में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बिना किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार, प्रलिब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर के जानो, उपाधियों का अंत, टाइटल खत्म हो गया है। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 18। अभी बस इतना ही जानो, जो बताया हूं सबसे मेन राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 14 कानून के नजर में सब समान, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 जो जैसे बताया हूं एज इट इज अपने दिमाग में बैठा लो। दो चीजें कल मैं आपको बताऊंगा, एक ये कि विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और दूसरा ये कि रिजर्वेशन का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अभी चलता हूं, देख लेना सारी की सारी वीडियो और कल मिलते हैं, फिर से हम लोग इस पॉलिटी की सीरीज को बढ़ाते हैं कि पॉलिटी सच में बहुत आसान है। धन्यवाद।